अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम में नाश्ता बनाने जा रही हूँ। नाश्ते में आज क्या खाएंगे? अंडा स्लाइस खाएंगे। हाँ, अंकल भी आ गए काम करने के लिए। कल आना था उनको, लेकिन कल उनके यहाँ शायद किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसलिए कल नहीं आ सके थे, तो वो आज आ गए। कल उन्होंने छुट्टी करी थी तो आज वो काम को फाइनल करने के लिए आए हैं। तो आते ही फिर उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। अब मैं जाती हूँ किचन में, चाय वाय बना लूँ, नाश्ता बना लूँ ताकि नाश्ता कर लें हम लोग। अभी बस अब्दुल्ला को लेकर आई हूँ। अब्दुल्ला तो आते ही बस स्कूल से ये इसमें लग गया मोबाइल में। कपड़े वगैरह चेंज करवाए मैंने, लाइट भी गई थी, जनरेटर चल रहा है। और ये सुबह सुबह मैगी बनवा कर लेकर गया था। ये देखिए, लेकिन इसने नहीं खाया। बड़ा हरामी हो बेटा, तनी क्यों नहीं खाया? ऐसे कैसे वापस लेकर आ गया, मैगी नहीं खाया इसने। हालांकि ये दो दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, फ्राइडे से मेरे पीछे लगा था कि मैं मैगी लेकर जाऊंगा। और अभी इसको मैगी बना कर दी सुबह सुबह। तो ये यही लड़का यही करता है कि ये खाता नहीं है। कुछ बना कर दो इसको, फिंगर चिप्स बना कर दिए थे इसको, तो इसने फिंगर चिप्स भी नहीं खाए थे। अच्छा, मैगी लेकर गया, मैगी भी दिखाए। और आते वक्त मैंने फिर इसको रोल दिलाया, नाश्ता तो ये खैर करके गया था, मैगी लेकर गया था। तो इस चीज़ को फिर मैंने और कोई चीज़ ना वहाँ से दिलाई नहीं थी, वरना इसको मैं केक वगैरह दिला देती हूँ, बिस्किट दिला देती हूँ। तो लंच में ना फिर ब्रेसेस में फिर वो खा लेता है, तो थोड़ा बच्चे को थोड़ा पेट भर जाता है। लेकिन आज क्योंकि मैगी बना कर दिए थे तो आज इसलिए मैंने इसको कुछ भी नहीं दिलाया था, और मैगी इसने रखा ही नहीं। अभी मुझे बहुत सारे काम है, दोपहर का खाना बनाना है और बर्तन धोने हैं, सफाई होगी लेकिन शाम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, सफाई अभी नहीं करूँगी, सफाई करने का भी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। कि अंकल कल नहीं आए थे ना, तो इस वजह से वो आज आए हैं, तो आज काम कर रहे हैं। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, ये लोग कर रहे हैं स्कूल से आके नाश्ता। हालांकि सुबह में करके गए थे, लेकिन ये लोग दोबारा नाश्ता कर रहे हैं। मैंने लोग के लिए दोबारा चाय बनाई है, अंकल के लिए बनाई थी, मतलब इसलिए इन लोगों को भी चाय दे दी गई थोड़ी थोड़ी। खाना बन रहा है, खाने में मैंने सोचा भी शाम को देखना है क्या बनाना है। अभी चलो आलू की तहरी बना लेते हैं, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी स्कूल से आके ना अब्दुल्ला को जब लेकर आई थी, तो उस टाइम फिर मैंने फटाफट जल्दी से मैंने बर्तन धोके फिर मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी पकाने के लिए। अभी यहाँ आलू गल रहे हैं, थोड़ी देर लगेगी आलू गलने में और फिर ये खाना रेडी हो जाएगा। हम अब बच्चे देर से ही खाना खाएंगे, मेरे ख्याल में 3 बजे तक खाना खाएंगे, 3:30 तक खाएंगे, क्योंकि अभी ये लोग नाश्ता कर रहे हैं तो उनको फिर भूख लगेगी ही नहीं। तो इसलिए अभी आगे शाम को क्या करना है ये कुछ नहीं मैं कह सकती हूँ क्या पकेगा शाम को, लेकिन शाम का खाना मैं शाम से पहले बना के रखूँगी ताकि मुझे परेशानी ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि शाम को फिर मुझे सफाई करनी होती है, तो सफाई में भी जाहिर सी बात है फिर वो 2-2.5 घंटे जो है ना सफाई में लग जाएंगे मुझे, इसलिए। शाम हो रही है, 4:30 बज रहे हैं, मैंने सोचा तो चलो अब चाय बना देती हूँ। चाय मैंने चढ़ा दी है और बाकी ये कि मैं दाल गोश्त का मेरा काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था चने की दाल गोश्त खाने को, तो आज मैंने आखिरकार मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। बहुत दिनों से दिल चाह रहा था तो इसलिए मैंने ये दाल गोश्त भी ये मैंने यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ चाय बनेगी और फिर चाय बनाने के बाद फिर मैं दाल गोश्त जो है ना वो चढ़ा दूँगी। बच्चों ने भी खाना वाना खा लिया। काम तो ख़त्म ही नहीं होता, पूरा दिन हो जाता है काम में लगे लगे। इतनी बार मैंने सोचा कि मैं दोपहर में आराम करूं, लेकिन आराम मिलता ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता कि आराम भी करूं।
आराम तक का टाइम नहीं मिलता। कि मैंने सोचा था चलो दोपहर में ना मैं 2 घंटे सो जाऊंगी बच्चों को खाना वाना खिलाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं है, सोने का भी टाइम नहीं है दिन में। और मर्द हजरात क्या कहते हैं कि सारा दिन तुम लोग करते क्या हो, लोगों को तो आइडिया ही नहीं कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सारा दिन बस दुआ करें कि जिससे हमारे घर का काम जो है ना वो निपटे, घर साफ हो, और इसके बाद जो है ना हम कलर करवाएंगे अभी नहीं, एक डेढ़ महीने के बाद कलर करवाने का सोच रहे हैं। बस ये कि जल्दी से ये वाला काम नहीं मट जाए, इस काम में ज़्यादा मट्टी और धूल मट्टी होती, गंदगी होती है ना, इस वजह से। हमारा घर इतना खराब था नहीं, लेकिन अड़ोस और पड़ोस, अरे कहना क्या चाहते हो, दोनों ही साइडों में जो है ना घर बनाए थे ना कुछ महीनों पहले, तो जब इनके घर की टूट फूट हुई ना दोनों घरों की, तो उससे जो ना हमारा घर जो ना बहुत हिल गया, बहुत ज़्यादा मतलब जगह जगह से दरारें पड़ गई और ऐसा हो गया, वरना हमारा घर ऐसा था नहीं। है तो मतलब पुराना बना हुआ इतना मतलब, लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, मजबूत बना हुआ, लेकिन बराबर के घरों में जो दोनों तरफ लोगों ने अपने घरों को तोड़ के बनाया है ना, तो उसकी वजह से हमारा घर जो है ना पूरा हिल गया, बहुत बुरी तरह हिल गया इस बार तो। और कुछ साल पहले मतलब 2-3 साल पहले पीछे वाला घर बना था, इतना हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये बराबर के घरों में इधर का भी और उधर का भी दोनों का ही आगे पीछे बना है, ये बना था 6 महीने पहले और ये बना है 3 महीने पहले। अच्छा, तो इस वजह से जो है ना हमारा घर इतना वो हो गया कि हमें जो ना रिपेयरिंग करवानी पड़ी है घर की। अब रिपेयर तो करवाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है घर में रहेंगे, रहना है हमें इस घर में तो देखभाल तो करनी पड़ेगी हमें, हम नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इसलिए सोचा कि चलो करवा लें ये काम भी। तो यहाँ पर दाल गोश्त है ना, ये भी बिल्कुल रेडी कर लिया है मैंने, बस इसमें भगार करना है ना, मैंने प्याज यहाँ कटिंग की और इसमें मैं बस अब भगार करने जा रही हूँ और ये रेडी हो जाएगा, और फिर मैं बनाऊँगी इसका चावल। दाल गोश्त रेडी है, अभी दिखाती हूँ। और घर का जो काम था वो भी फिनिश हो गया, बस ये देख घर का काम भी फिनिश हो गया, आज फाइनल हो गया। अब okay. ये रेडी करके ना बस फिर अब सफाई करने से लग रही हूँ, सफाई करनी है मुझे क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये देखें दाल बिल्कुल रेडी है, मैंने इसमें भगार भी कर लिया, चावल बनाने हैं मुझे, चावल बनाऊंगी लेकिन थोड़ा देर से बनाऊंगी ताकि इनके आने तक चावल बिल्कुल गर्म रहें, खाना रेडी हो गया समझ लें मेरा तो। खाना भी रेडी है तकरीबन, चावल बना ली दाल के साथ, चावल बना लिए तो चावल थोड़े धीमे की साइड से बना लिए, ज़रा हट के थोड़ा अच्छे लगते हैं दाल चावल के, दाल चने की दाल के साथ ये वाले चावल जो प्याज गर्म मसाला जीरा फ्राई करके फिर उसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करें और फिर उसमें चावल डाल दो, बहुत मज़ेदार लगते हैं ये वाले चावल। दाल तो रेडी कर दी थी मैंने, करी दिखाया था मैंने आपको, शेयर किया था मैंने आपको। अब ये कि चावल भी बन जाएंगे, सफाई भी हो गई, सारा काम हो गया, सारा काम ऑल टू ऑल वर्क आई हैव डन, सारा काम ही कर चुकी हूँ, बस ये चावल बनाने बाकी है। और ये कल इन्होंने मुझे गोश्त ला कर दिया था, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, इनका दिल चाह रहा था कि शामी कबाब खाऊं, तो कल संडे था तो कल इन्होंने मुझे गोश्त ला के दिया था, तो इसलिए फिर मैंने आज शामी कबाब मैंने दोपहर में चढ़ा दिए थे, पक गए थे, तो फिर मैंने अभी वो पीस के भी रखा है, बस ये कबाब बना लें, इसके अंदर हरा धनिया डालूंगी और अंडे डालूंगी, बस दो चीज़ें डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी,
क्योंकि अगर इसमें हम प्याज ऐड कर देते हैं ना कच्ची, तो फिर ये ज्यादा दिन रखकर नहीं खा सकते हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब शामी कबाब का ऐसा है कि अगर फ्रिज में रखे भी होते हैं ना तो आसानी रहती है कि चलो अगर कुछ नहीं है तो बच्चों को शामी कबाब फ्राई करके और पराठे बना के दे दो तो बच्चे खा लेते हैं, सुबह नाश्ते में भी काम आ जाते हैं और मतलब खा लिए जाते हैं सुबह नाश्ते में भी। नहीं शामी कबाब इसलिए मैंने बना के रख दिए अभी कि काफ़ी दिन की छुट्टी हो गई है। सारा काम मुकम्मल हो गया मेरा आज, अभी मेरे ख्याल में 8:30 हो रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं जी, हाँ 8:30 हो रहे हैं और मेरा सारा काम मुकम्मल हो चुका है। पता है 3 दिन से मैं पैनाडोल की गोली खाके अपना काम चला रही हूँ। हाँ हफ्ते के दिन भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, वो तो मेरे चेहरे से लग रहा था बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी मुझे, और कल भी और आज भी मैंने गोली खाई। जब अब्दुल्ला को मैं स्कूल लेने के लिए गई हूँ 12 बजे तो मैं एक पैनाडोल की गोली खा कर गई क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब्दुल्ला को लेने के लिए स्कूल जाऊँ, और जाहिर सी बात उसे लेने के लिए तो जाना था। पैनाडोल की गोली खाई मैं फिर गई हूँ उसको लेने के लिए। ये देखिए चावल में टमाटर हरी मिर्च से मैंने ऐड किए हैं, इसमें बहुत टेस्टी बनते हैं इसके साथ। ये है गोश, ये है चावल और शामी कबाब मैं बना रही हूँ, इसमें हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया और अंडे भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको बनाती हूँ। ये एक तोता है नया, बोलता है ये तोता बहुत, लेकिन ये हमारा नहीं है, ये किसी और का है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये सारे तोते ना देखे, इसको देखे, ये भी यहाँ आगे बैठ गया, ये यहाँ आगे लटक गया, ये भी ऊपर नजरे करके ऊपर देख रहा है, और हीरो भी से हीरो को देखें, ये भी इसी को देख रहा है, सब इसी को देख रहे हैं। नया मेहमान आया है, लेकिन ये मेहमान है, पक्का मेहमान है, ये जाएगा। खाना तो खा लिया हमने, खाना बहुत मज़ेदार बना था, दाल गोश्त और चावल, क्योंकि ज़ाहिर है जोड़ है दाल का, चने की दाल गोश्त और चावल का तो बना बहुत मज़े का था। अब मैं बना रही हूँ चाय, रात हो गई 10:30 हो रहे हैं, खाना भी हम लोगों ने खा लिया, ये आए थे ना 9 बजे तो मैंने जब भी खाना खा लिया था, तो ये इन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद वॉशरूम जो है ना मैंने नहीं धोया था, क्योंकि वॉशरूम जो है ना एसिड डाल के धोना था, क्योंकि ये वॉशरूम में काफ़ी सारी मतलब सीमेंट वगैरह लगा हुआ था टाइल्स पर, तो मैंने कहा मैं नहीं धोऊंगी क्योंकि एसिड जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है एसिड इसकी ना उससे खुशबू से, तो मैंने इनको कहा था कि आप धोइएगा वॉशरूम, तो वॉशरूम अभी इन्होंने ये तो होगा धोया, तो मैंने कहा चलो इनको चाय बना के पिलाती हूँ, चाय बन रही है, चाय पियेंगे ना थोड़ा सही हो जाएगा। ये चल रहा है यहाँ पे, ये स्नैल जो है ना ये चल रहा है, कितना बड़ा है ना, ये अंदर जा रहा है, कल पौधे लाएंगे फिर से निकलाएंगे। नहीं नहीं मारा नहीं, इसके अंदर ही ये पौधों के अंदर मार दे, वो चल रहा है देखें, इसके लीफ भी चल रहा है, इसकी जो ब्रांच है ना इसमें चल रहा है, वो देखें ये रहा अंदर, तो बड़ा है ही मोटा सा है, दिन भी आ रही है देख के। अभी अचानक से फिर मेरे ना दांत के अंदर दर्द उठ रहा है, लेकिन अभी क्योंकि 10:30 बज चुके हैं, डॉक्टर भी उठ चुके होंगे, उन्होंने कहा था कि दोबारा से दर्द होना तो अब आ जब आना, लेकिन अब ऐसे टाइम पे मेरे दांत में दर्द उठा है कि वो क्लीनिंग भी अब तो बंद हो चुका होगा, बहुत शदीद दर्द हो रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, मुझे गोली मंगवा कर खानी पड़ेगी दर्द की, पेन किलर एक, ताकि कम से कम रात को सुकून से गुजर जाए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ऐसे दर्द उठ रहा है कि रेगुलर दर्द नहीं उठ रहा, अभी मैं गोली खा लूँगी ना 10-11-12 दिन की
हफ्ते भर की छुट्टी, दर्द नहीं उठेगा फिर मेरे। अब्दुल्ला सोकर उठ गया, अब्दुल्ला भी कब से सो रहा है, अब्दुल्ला बहुत देर से अब्दुल्ला सोकर उठ रहा है। अब नींद थोड़ी पूरी हो गई है इसकी, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा अभी। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।